आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। शनिवार को प्रखंड की मध्य विद्यालय लाखूचक में बाल संसद व मीना मंच के तत्वाधान में शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर उन्हें नमन किया गया। बाल संसद की संयोजक शिक्षक पीयूष कुमार झा की देखरेख में आयोजित जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता बाल संसद की प्रधानमंत्री वर्षा कुमारी ने की, जबकि संचालन शिक्षा मंत्री सह मीना मंत्री सुषमा कुमारी ने किया। और इस अवसर पर सर्वप्रथम शहीद चंद्रशेखर आजाद के तेल चित्र पर सभी छात्रों के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए विद्यालय के संस्कृत शिक्षक पीयूष कुमार झा ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद एक महान क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ। पिता का नाम सीताराम तिवारी तथा माता का नाम जगरानी देवी था। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान जब इनकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी तो ये गिरफ्तार हो गए। तब अंग्रेज जज ने इनका नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीनता और अपना घर जेल खाना बताया। तब जज ने इन्हें 15 बैत मारने की सजा दी। हर एक बैत के साथ चंद्रशेखर आजाद के द्वारा भारत माता की जय का नारा लगाया गया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने शपथ ली कि मैं कभी भी जिंदा नहीं पकड़ा जा सकूंगा। अपने क्रांतिकारी साथियों भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त आदि के साथ अंग्रेजी सरकार की ईंट से ईंट हिला दी। इनकी योजना से क्रूर अंग्रेज पुलिस पदाधिकारी सैंडर्स की हत्या हुई। ऐसे ही कई सारे महान कार्य इनके द्वारा किए गए। और आपको बता दें कि इस अवसर पर सभी लोगों के द्वारा शहीद चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक आनंद कुमार सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और बाल सांसद व मीना मंच के सदस्य उपस्थित थे। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।